हेलो एंड वेलकम टू टेक्नो इंडिया। मैं हूँ अतर हाशमी और आप देख रहे हैं टेक्नो ट्रेनिंग। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको VVDI प्रॉक के थ्रू MCU या ECU को रीड करके दिखाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम अगेन 1755 जो हमारा फेवरेट ECM है उसको हम रीड करने की कोशिश करने वाले हैं VVDI प्रॉक की सहायता से। तो बस देखना ये कि आखिर इस प्रोग्रामर में हमारा जो काम है वो कितनी अच्छे से और कितनी स्पीड के साथ होता है, ये आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा। तो ये इसका VVDI प्रोग्रामर का दूसरा पार्ट है और इसके लिए हमने खास तरह की स्पेशल केबल मंगवाई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि आखिर VVDI प्रोग्रामर से रीड करने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ये हमारा VVDI प्रोग्रामर है, इसमें एक स्पेशल केबल हमने लगाई है आज, जिसे बॉश ECU अडाप्टर केबल कहा जाता है। मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर नया वाला यूज़ किया है, ये वर्जन जो है 5.3.3 है, अपडेटेड वर्जन है। अब यहाँ से हमें जाना है बॉश ECU अडाप्टर में। इसमें आपको ये JMC लिखा हुआ है, इसमें EDC 1755 ऑप्शन मिलता है। ये जो ECM है EDC 1755, ये केवल JMC में मिलता है, तो इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर केबल का इस्तेमाल और यहाँ से इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया है। तो आपको यहाँ पे JMC इस्तेमाल करना है। अब कनेक्शन डायग्राम में आप जाएंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ से इस केबल का डायग्राम मिल जाएगा। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ये चार तार जो हैं ये आपकी 12 वोल्ट की हैं। ये देखिए, ये चार जो वायर्स हैं ये 12 वोल्ट के हैं, ये चार ग्राउंड के हैं। फिर आपका आता है इग्निशन का दो, तो यहाँ पे इग्निशन की आपको दो केबल मिल जाएंगी जो मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। फिर कैन हाई और कैन लो, ये तो सबसे कॉमन तारे हैं, ये भी लगा दिए हमने। फिर ये S1 और S2 करके, इसमें एक नया जो केबल है वो यही है, ये S2 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा, ये S2 केबल इसकी। इसी केबल के लिए खास मैंने इस केबल को यहाँ पे ऑर्डर करके मंगवाया है। तो ये केबल VVDI प्रोग्रामर के साथ नहीं आती है, इसे आपको सेपरेटली लेना पड़ता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वायरिंग कर दें, देख रहे हैं यहाँ पे ये जो डायग्राम है आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपको 12 वोल्ट यहाँ लगाना है, देन ये ग्राउंड है, फिर ये आपका ये येलो केबल जो दिख रहा है ये S2 है, दिस वन। फिर ये आपका कैन हाई और कैन लो हो गया, ये आपका इग्निशन है, और नीचे हम आपका S1 लगा हुआ है। तो राइट वाले ब्लॉक में केवल आप टोटल केवल आपको 5 केबल लगानी है और इस ब्लॉक में आपको टोटल 2 केबल ही लगानी है। इस तरीके से आपका यहाँ पे वायरिंग होता है कंप्लीट। अब आप इसे बंद कर दें विंडो को, और यहाँ से जो आपका केबल है आप यहाँ से रीड बटन पे क्लिक करें। रीड बटन दबाने से यहाँ पे आप स्टेटस देखते जाएंगे कि 12 वोल्ट का पावर अडाप्टर कनेक्टेड है, ये डिवाइस को इनिशियलाइज कर रहा है, और ये इनिशियलाइजेशन सक्सेस हो गया। अब ये नेविगेट करेगा, वर्जन इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। अब ये जो चिप है, मतलब आपकी जो ECU की चिप है, उसे चेक कर रहा है और उसके साथ कम्युनिकेशन करना शुरू करेगा, और आपकी पूरी की पूरी फाइल को ये खोल के दिखा देगा कि इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर की कौन सी चिप लगी हुई है। तो रीडिंग सक्सेसफुली हो चुकी है यहाँ पे। अब इसको मैं मैक्सिमाइज करके दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो फाइल आपको दिखाई दे रही है ये आपकी 1755 जो ECM के अंदर से फाइल है वो हमने यहाँ से निकाली है। ये पूरी की पूरी बड़ी फाइल आपको दिखाई दे रही है। यदि आप इसे सेव करना चाहते हैं तो आप इसे सेव कर सकते हैं। और अभी हमने इसे डी फ्लैश पढ़ा है इसका। अब यदि आप पी फ्लैश इसका पढ़ना चाहते हैं तो आप पी फ्लैश में क्लिक करें और दोबारा से रीड बटन में क्लिक करें, तो ये अब इसका पी फ्लैश पढ़ेगा। देखिए, ऑपरेशन सक्सेस तो हो गया, लेकिन आपने ध्यान दिया कि जो हमने पी फ्लैश पढ़ा इसमें काफ़ी टाइम लगा, और ये आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि पी फ्लैश जो है वो काफ़ी बड़ी फाइल है। तो ये एक्चुअली इसका प्रोग्राम फ्लैश होता है पी फ्लैश, और ये जो आपने डी फ्लैश देखा ये इसका डेटा फ्लैश था। ये इसको पढ़ने में कम टाइम भी लगा, और यहाँ पे आप स्टेटस बार में इसका पूरा स्टेटस देख सकते हैं या नीचे में जाके कि किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे पूरा लॉग लिखा हुआ है इसका, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इस तरीके से आप इसका पी फ्लैश और डी फ्लैश VVDI प्रोग्रामर के थ्रू पढ़ सकते हैं।
और पढ़ने के बाद में आप इसे सेव करके रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेव टू में क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ मैं 1755, और इस फोल्डर के अंदर में यहाँ पे ये लिखा हुआ है डेट, तो हम यहाँ पे सेव कर दे रहे हैं। सो तो इसे मतलब नहीं है कि आप कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जेएमसी लिखा है कि जैगवार लिखा है, मेन होता है मकसद इसका पी फ्लैश और डी फ्लैश पढ़ने के लिए आप यहाँ से बस केवल इसे मिला लें वीवीडीआई प्रॉग में। और यदि आपके पास में इसकी वायरिंग अवेलेबल हो तो ये इसका प्रोग्राम को काफ़ी अच्छे तरीके से निकालता है, काफ़ी रिलायबल होता है ये अदर टूल से काफ़ी रिलायबल होता है, जो आपका लोकल टूल आते हैं जो उनसे काफ़ी बेहतर टूल है ये वीवीडीआई प्रॉग ये, क्योंकि एक्स हॉर्स का है मिनी, जो एक्स हॉर्स के कई टूल और भी आते हैं ये उसी एक्स हॉर्स की है। तो ये आप केबल से आज वीडियो बनाना सीखे हैं कि किस तरीके से आप एमसीयू का जो डेटा है उसको डायरेक्टली केबल के थ्रू वीवीडीआई प्रॉग से कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको ईसीयू खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल बाहर से ही पिनआउट लगा के जैसे अदर प्रोग्रामर में लगाई जाती है वैसे ही वीवीडीआई प्रॉग के थ्रू लगा के आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपने देखा ऑप्शन ईप्रोम वाला, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था और आज आपको दिखा रहा हूँ कि बॉश ईसीयू अडाप्टर से आप किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में इस पर्टिकुलर चीज़ का कैसे निकाल सकते हैं डेटा। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। कोई अगर आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए सी यू दोस्तों, टेक केयर।